किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम आपको तरबूज और खरबूज की फसल पर लीफ माइनर की रोकथाम करने के लिए शानदार ऑप्शन, शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि तरबूज की फसल हो, खरबूज की फसल हो या फिर अन्य फसलों पर, जैसे तरबूज है, खरबूज है, टमाटर है, लौकी, गिलकी, खीरा, शिमला, कपास, कद्दू, भिंडी और भी अन्य फसलों पर लीफ माइनर का यदि अटैक है तो आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करेंगे तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार की आप खेती कर रहे हैं, लीफ माइनर पर आप काफ़ी लंबे समय तक लीफ माइनर से निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि तरबूज की फसल पर लीफ माइनर की रोकथाम करने के लिए हमको क्या स्प्रे करना चाहिए। लीफ माइनर एक ऐसा रस चूसा कीट है जो पत्तों के ऊपरी हरित लवक को खाकर पत्तों को बेजान, बेरंग और कमज़ोर कर देते हैं। लीफ माइनर से पत्ते ठीक तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार और उपज में रुकावट आ जाती है। अटैक, जैसे लीफ माइनर का अटैक फसल में प्रारंभिक चरणों से लेके पूरे जीवन चक्र में बना रहता है, खासकर तरबूज की फसल, खरबूज की फसल, टमाटर की फसल, लौकी की फसल और भी खीरा की फसल, अन्य फसलों पर, भिंडी पर लीफ माइनर का सबसे ज़्यादा अटैक देखने के लिए मिलता है। तो लीफ माइनर कुछ जो आप इस फुटेज पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की पत्तों पर धारियाँ बन जाती हैं। कई स्थान पर इसके अलग अलग नाम हैं, ज़्यादातर इसे लीफ माइनर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं रोकथाम कंट्रोल करने के लिए शानदार विधि, रोकथाम करने के उपाय क्या हैं। तो सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अब ड्रेंचिंग कौन सी कीटनाशक की करनी चाहिए, तो सिजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड आती है, आपको 100 ml की ड्रेंचिंग करनी है प्रति एकड़ की दर से, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। सिजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्सी यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं कीटनाशक की तो लीफ माइनर पर और भी रस चूसने वाले कीटों से आप आसानी से और लंबे समय तक लीफ माइनर की रोकथाम कर पाएंगे। जहां तक हो सके तो आप ड्रेंचिंग से ही वॉल्यूम फ्लेक्सी का इस्तेमाल करें, स्प्रे ना करें, और यदि जहाँ पर ड्रेंचिंग पॉसिबल ना हो तो वहाँ पर आप स्प्रे पर भी हम दवाइयाँ बता रहे हैं, स्प्रे करके भी आप लीफ माइनर की रोकथाम कर सकते हैं। धानुका कंपनी की मोर्टार आती है इंसेक्टिसाइड, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जो धानुका की मोर्टार इंसेक्टिसाइड आती है उसमें कॉम्बिनेशन है कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 75% जो कि एसजी फॉर्म में आती है। यह एक सिस्टमैटिक कॉन्टैक्ट प्लस ट्रांस लेमिनार एक्शन होता है जो आप प्रति एकड़ की दर से यदि स्प्रे कर रहे हैं तो 150 लीटर पानी में 200 ग्राम आप मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि हो सकता है कि जो धानुका कंपनी की कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड है उपलब्ध ना हो तो आप थाइमोथॉक्सॉम 25% जो WG फॉर्म में आता है 40 से 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, फसल किसी भी स्टेज पर हो चलेगा। अब यही टेक्निकल थाइमोथॉक्सॉम 25% WG सिजेंटा कंपनी की इकतारा इंसेक्टिसाइड पर यही टेक्निकल मिल जाता है। लेकिन सबसे अच्छी कारगर जो उपाय है तरबूज की फसल हो या फिर अन्य फसल हो, लीफ माइनर के लिए सिजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्सी की ड्रेंचिंग कर दीजिए, शानदार रिजल्ट मिलेगा। ड्रेंचिंग के लिए यदि फसल छोटी है तो वॉल्यूम फ्लेक्सी को 100 ml लीजिए और फसल बड़ी है तो आप ड्रेंचिंग के लिए वॉल्यूम फ्लेक्सी को 150 ml की दर से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और जिन फसलों और सब्जियों पर ड्रेंचिंग करना पॉसिबल ना हो तो उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं थाइमोथॉक्सॉम को या फिर कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड को, आपको बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे लीफ माइनर जैसे कीट पर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें। धन्यवाद।